रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। नमस्कार, मैं हूँ कविता सिंह। अभी बजरंगबली महावीर हनुमान की जो कहानी हमने आपको बताई, इस कहानी का वर्णन रामायण में भी मिलता है और पुराणों में भी। कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब देश की कई जगहों के बारे में दावा होता है कि वहां हनुमान का जन्म स्थान है। हमने हर दावे की कड़ी पड़ताल की, धर्म ग्रंथों और हिंदू धर्म के जानकारों से बात भी की, लेकिन हनुमान जन्म स्थान को लेकर कंफ्यूजन कायम रहा। लेकिन इसी कड़ी में हमारे सामने एक ऐसा दावा हुआ कि हमारे लिए हनुमान के उस जन्म स्थान की पड़ताल जरूरी हो गई। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है, लेकिन हनुमान का जन्म स्थान कहाँ है? देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जन्म स्थान को लेकर तरह तरह के दावे होते हैं। दावा होता है कि गुजरात के डांग, राजस्थान के चुरू, हरियाणा के कैथल, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के टिहरका गांव, कर्नाटक के हम्पी, उड़ीसा के खुर्दा और झारखंड के गुमला में हनुमान जन्म भूमि है। इन सभी में सबसे मजबूत दावा झारखंड के गुमला के आंजन गांव का है। यहां एक रहस्यमयी गुफा है जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं मां अंजना ने हनुमान को जन्म दिया। यहाँ माता अंजना और हनुमान की एक मूर्ति है। इस स्थान पर भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। जब देश के कई जगहों पर कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक और राजस्थान से लेकर झारखंड तक हनुमान जन्मस्थान का दावा किया जाता है, तो सवाल है कि आखिर किस जगह के बारे में पक्के तौर पर, पुख्ता तौर पर माना जाए कि वहां बजरंग बली ने महादेव के रूप में अवतार लिया। हम इस गुत्थी में उलझे ही थे कि एक नई पहेली हमारे सामने आ गई। महाराष्ट्र की एक जगह के बारे में दावा इस बात का किया गया कि वहां हनुमान का जन्म स्थान है। दावा यह भी किया गया कि पुराणों में बाल हनुमान की लीलाओं का जो जो वर्णन किया है, ठीक वैसा ही यहां सबूत के तौर पर मौजूद भी है। हनुमान जन्म स्थान की गुत्थी से उलझने के लिए न्यूज 24 की टीम मुंबई से रवाना हुई। हमारी मंजिल है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पास की एक पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर और एक गुफा है जिसका संबंध हनुमान जन्मस्थान से जोड़ा जाता है। मंदिर की मूर्ति में बाल हनुमान माता अंजना की गोद में बैठे दिखाए गए हैं, जबकि पास की गुफा के बारे में मान्यता है कि इसी गुफा में माता अंजना ने तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया और फिर उसके बाद हनुमान का जन्म हुआ। इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज 24 की टीम नासिक रवाना हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं रहस्य शो में आपका साथी दीपक दुबे। देश की कई जगहों पर राम भक्त हनुमान के जन्म स्थान का दावा होता है, लेकिन आज हम आपको ले जा रहे हैं उस जगह पर जो मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस जगह के बारे में यह दावा किया जाता है कि हनुमान के जन्म और उससे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में जो बताया जाता है उससे मिलते हैं हूबहू यहाँ पर सबूत। करीब 3 घंटे के सफर के बाद हमारी टीम नासिक पहुंची और फिर वहां से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। इस रास्ते पर ही एक पहाड़ी की चोटी पर हनुमान जन्म स्थान है। हम सफर कर रहे हैं नासिक का। वहां से हम अंजनेरी पर्वत जाएंगे जो कि
ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। अंजनेरी पर्वत पर जाने के समय हमें मिलेगा त्र्यंबकेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से मौत को भी मात दी जा सकती है। तो चलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। हमें बताया गया कि अंजनेरी पर्वत पर हनुमान जन्मस्थान जाने से पहले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहीं पर गोदावरी नदी का उद्गम है। ऐसी मान्यता है कि गो हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए गौतम ऋषि ने महादेव की तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव की जटा से गोदावरी का जन्म हुआ। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का वास माना जाता है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री त्र्यंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। इस मंदिर में 3 लिंग विद्यमान हैं और त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजित हैं। मंदिर 3 तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार। माना यह जाता है कि ब्रह्मगिरी भगवान शंकर का ही दूसरा रूप है। त्र्यंबकेश्वर में 3 छोटे छोटे पिंड हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। यहाँ की यही विशेषता इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मौत को भी मात दी जा सकती है। इस मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा होती है। ये ज्योतिर्लिंग का विशेषता यह है कि इसको महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महामृत्युंजय बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी अपनी मनोकामना बोले, कौन से भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो बोलेंगे, मन्नत बोलेंगे, तो वो हमेशा 100% पूरा हो जाता है। और कौन से भी आरोग्य के समस्या हो, कौन से भी प्रॉब्लम्स हो तबीयत के कारण, वो अगर आप बोलेंगे मनोकामना अच्छे होने के लिए, तो वो 100% पूरा हो जाता है उसका जाप करने से, उसका अनुष्ठान करने से। इसीलिए उसको महामृत्युंजय जप, महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। इसका पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी यानी नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ और 31 साल के बाद 1786 में पूरा हुआ। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण में उस समय करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए, जो उस समय काफी बड़ी रकम थी। वहीं मंदिर का स्थापत्य भी बेजोड़ है। इतिहासकारों के मुताबिक गोदावरी नदी के तट पर बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहेब ने 1740 से 1762 के बीच करवाया था। 22 सालों में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। भगवान शंकर को समर्पित यह मंदिर काले पत्थरों से बनाया गया है। यही वजह है कि इस मंदिर के अलग अलग पत्थरों में की गई अलग अलग नक्काशी और कलाकृति इसे और भी खूबसूरत और अद्भुत बनाती है। मंदिर की गलियों से निकलकर हमारी मंजिल अब अंजनेरी पर्वत है। हनुमान जन्मस्थान के दावे को परखने के लिए और अंजनेरी में बाल हनुमान के सबूतों को देखने के लिए हम उस तरफ रवाना होते हैं। हमें बताया गया कि त्र्यंबकेश्वर से वो स्थान करीब 6 किलोमीटर दूर है। हम रवाना होते हैं। यहाँ हमारी नजर एक बोट पर जाती है। ये अंजनेरी का बोट है। त्र्यंबकेश्वर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पर है अंजनेरी पर्वत, और अंजनेरी पर्वत की शुरुआत जो होती है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक हाईवे पर स्थित इस अंजनेरी तीर्थ के साइन बोर्ड से शुरू होती है। आपको दिखाना चाहेंगे ये साइन बोर्ड,
जो इशारा कर रहा है कि 300 मीटर पर यहां से अंजनेरी पर्वत की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि अंजनेरी पर्वत जहां अंजनी माता ने 108 साल तक भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद जाकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और अंजनी माता को आशीर्वाद देते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति के रूप में, जहां पर हनुमान जी का जन्म होता है। तो अंजनी तीर्थ पर हम पहुंच चुके हैं जो हाईवे पर मौजूद है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ जो हमें ले जाएगा उस स्थान पर जहां पर माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। इस जगह पर हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति है, जिसमें वो अपने आराध्य भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। एक दूसरी मूर्ति में हनुमान जी बाल रूप में मौजूद है। तो क्रोध में आके दुर्वासा ऋषि ने अंजनी माँ को शाप दिया था कि आपका ये जो सुंदरता है, आपका रूप है, ये नष्ट हो जाएगा। आप वानर योनि में जन्म लोगे और पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करोगे। अंजनी माँ ने काफ़ी क्षमा याचना की, मगर ऋषि के निकले हुए शाप तो वापस नहीं आ सकते। तब ऋषि ने उनको उस शाप दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, 11 बार रुद्र आपके गर्भ से अवतार लेगा, आपके किसी अच्छे कारण ही यह दिया हुआ है, आप शिवजी की आराधना कीजिए, इससे आपको शाप से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। इस जगह पर न्यूज 24 रिपोर्टर दीपक दुबे को एक विचित्र बात पता चलती है। कुछ साल पहले मंदिर में हवन हो रहा था, तब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हवन कुंड की अग्नि में साक्षात बजरंग बली मौजूद है। इसे एक दो लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने देखा। अग्नि के अंदर हनुमान जी का ये ललाट है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, पूरा सिर है, ये पूरा हवन कुंड जो बना हुआ है इसमें बैठे हुए हनुमान जी की आकृति दिखाई देती है। अंधेरे की वजह से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। इसी क्षेत्र में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस स्थल पे ये यज्ञ हुआ था और इस तरीके से ये हनुमान जी की मूर्ति जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। हवन कुंड की अग्नि में साक्षात हनुमान के दर्शन की बात पर हमें यकीन नहीं हुआ, तो लोगों ने इस तस्वीर को अपने मोबाइल में दिखाना शुरू किया। बाकायदा उस घटना की लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। अंजनेरी का पूरा इलाका हनुमानमय है। वहां के चप्पे चप्पे में राम भक्त हनुमान वास करते हैं और उसको लेकर आस्था भी है। इसलिए मुमकिन है कि भक्तों को आग में भी हनुमान की आकृति नजर आए। विज्ञान ऐसी घटना को इल्यूजन यानी नजरों का धोखा कहता है। बहरहाल हवन की अग्नि में भी हनुमान की जो नजर आ रही है, बहस में पड़ गई ये नगरी। लेकिन इसके बहस में पड़े बगैर हम अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अभी तो 4000 फीट की चढ़ाई का सफर शुरू हुआ है। अभी हमारी टीम को कई किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। अभी कुछ किलोमीटर सफर के बाद हमारी टीम उस गुफा तक पहुंचेगी, जिसके बारे में दावा होता है कि वहां मौजूद गुफा में माता अंजना ने हनुमान को जन्म दिया था। आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर से अंजनेरी जाने के लिए 3 पहाड़ियां पार करनी पड़ती हैं। अब तक हम एक पहाड़ी को कार से पार कर चुके हैं। कुछ दूर और चलने के बाद हमारी कार एक गांव के कच्चे रास्तों पर जाकर रुक जाती है। हमारी टीम को बताया जाता है कि अंजनेरी गुफा तक जाने के लिए अब हमें पैदल चलना होगा। ये दूरी करीब 3 किलोमीटर की है, जिसे 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद पूरा किया जा सकता है। अंजनेरी पर्वत पर जाने की शुरुआत में ही पड़ता है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। यहाँ भगवान हनुमान राम जी की आराधना में लीन है। यहाँ के पुजारी ने हमें बताया कि अंजनेरी पर्वत पर जाने के लिए हमें 2.5 से 3 घंटे का लंबा वक्त लगेगा और हमें 3 पहाड़ियों को पार कर उस जगह पर पहुंचना होगा जहां माता अंजनी ने 108 सालों तक भगवान शिव की आराधना की थी।
अंजनेरी गुफा की समुद्र तल से ऊंचाई 4000 फीट है। आगे चढ़ाई मुश्किल है, रास्ता पथरीला है। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तभी हमारी नजर एक बोर्ड पर जाती है, जिधर रास्ता दिखाया जाता है, हमारी टीम उधर चली जाती है। विष्णु पुराण, नारद पुराण और शिव पुराण में इसी अंजनेरी गुफा का जिक्र है, जहां पर हनुमान जी ने जन्म लिया था और इसी जगह पर माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और इसी जगह पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि भगवान हनुमान को शिव का अंशावतार बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि इस मंदिर का गहरा कनेक्शन हनुमान जन्मभूमि से है। ये गांव माता अंजना का है, उनके नाम पर गांव का नाम है। यहाँ जो मंदिर है उसमें माता अंजना की गोद में बाल हनुमान है। अंजनी माते के बारे में ये प्राचीन सबूत है कि ये गुफा है, यही उनकी तपोभूमि मानी जाती है, ये उनकी मूर्तियाँ हैं कि ये ध्यान के रूप में बैठी हुई हैं, तो यहीं उन्होंने तपस्या की हुई थी। और दूसरी बात, जो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी आन के जो प्रसाद दी थी, यहीं खिड़की बनी हुई है छोटी, जहीं पत्थर लगे हुए हैं वहीं से उनको दीक्षा दी थी। तो हनुमान जी ये कोक में यही जगह में समा गए। वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि देश में करीब दर्जन भर जगह पर हनुमान जन्मस्थान का दावा होता है। ऐसे में हमारे सामने सवाल है कि आखिर अंजनेरी की गुफा में ऐसा क्या खास है जिससे हनुमान जन्मस्थान को लेकर यहाँ का दावा सबसे मजबूत समझा जाता है। ये सच्चाई है या सिर्फ फसाना, इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते। पुराणों में कहानी है कि एक बार माता अंजनी बाल हनुमान को सुलाकर अपने काम में व्यस्त हो गई और इसी बीच हनुमान की नींद खुल गई। उन्हें तेज भूख लगने लगी, उनकी नजर भगवान सूर्य पर पड़ गई, सूर्य उन्हें संतरे जैसे फल लगा। बाल हनुमान ने सूर्य को ही निगल लिया। राम भक्त हनुमान की ये कहानी आप भी जानते होंगे, लेकिन क्या इस कहानी का कोई सबूत आपने देखा है? अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हनुमान के सूर्य निगलने का सबूत कहाँ मिला, हनुमान के जन्म को साबित करने वाली एक गुफा के बारे में भी बताएंगे, महावीर जन्मस्थान पर भी महावीर जैन के सबूत मिले हैं, सबूत पर सबूत मिल रहे हैं, रहस्य जारी है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यूज 24 रिपोर्टर दीपक दुबे ने नासिक के अंजनेरी पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी। हमारी टीम की मंजिल वो गुफा है जिसके बारे में दावा इस बात का किया जाता है कि वही माता अंजनी ने महादेव की तपस्या की और वही महादेव ने उन्हें वरदान भी दे दिया। आपको बता दें कि हनुमान को एकादश रुद्र यानी महादेव का 11वां अवतार माना जाता है। इसी एकादश रुद्र के जन्मस्थान के दावे की अपनी आंखों से देखने के लिए हमारी टीम अंजनेरी गुफा की तरफ बढ़ रही है। रामायण और पुराणों में हनुमान जन्मस्थान का सटीक वर्णन नहीं है। कहा गया है कि एकादश रुद्र के रूप में हनुमान ने दंडकारण्य के जंगलों की गुफा में माता अंजना की कोख से जन्म लिया। आपकी आंखों के सामने ये जो अंजनेरी की पहाड़ी है वो भी दंडकारण्य का हिस्सा है। हमें बताया गया है कि इसकी चोटी पर हनुमान जन्मस्थान वाली गुफा और एक मंदिर है। हम चोटी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में हमारी नजर एक तालाब पर पड़ी। दूर से देखने पर तो तालाब सामान्य था, लेकिन जब हमें इसकी बारीकी बताई गई तो हम चौंक गए। दावा किया जाता है कि इस तालाब का ताल्लुक हनुमान के संतरा समझकर सूर्य को निगलने से है। कहते हैं कि हनुमान ने बाएं पैर पर जोर डालकर छलांग लगाई और सूर्य को निगलने के लिए आकाश में पहुंच गए।
दावा है कि ये तालाब बाल हनुमान के बाएं पैर के दबाव से बना है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाई थी तो उस वक्त सुबह का वक्त था, यानी कि सूर्य पूर्व की दिशा से निकल रहे थे। ऐसे में जब हम इस सरोवर तालाब को देख रहे हैं और जो मान्यताएं हैं कि सरोवर तालाब जो ये बना हुआ है वो हनुमान जी के पैर के निशान की वजह से बना हुआ है, यानी कि जब सूर्य निकल रहे थे तो पूरब की तरफ से निकल रहे थे। तो हम अगर इस कैंपस के ज़रिए ये जानने की कोशिश करें कि वाकई में ये पूर्व की दिशा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूर्व की दिशा है, यानी कि कैंपस के माध्यम से भी यह सिद्ध हो रहा है कि जैसा कि पौराणिक कथाओं में लिखा गया है या लोगों की मान्यता है कि पूर्व से निकलने वाले सूरज की तरफ हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, तो यह बात यहाँ पर सिद्ध होती है। वाकई तालाब का आकार बाएं पैर जैसा ही है। सबसे ताज्जुब है कि बाल हनुमान ने पूरब दिशा में छलांग लगाकर सूर्य को निगल लिया था। इत्तेफाक देखिए कि इस तालाब यानी पैरों के पंजे और उंगलियों के आकार की दिशा भी पूरब की तरफ है, तो क्या समझा जाए कि तालाब का रिश्ता पुराणों के वर्णन से है। तो क्या माना जाए, हनुमान की निशानियां नासिक के पास अंजनेरी पर्वत पर मौजूद हैं? हमने आपको जो अंजनी गांव दिखाया, क्या वही माता अंजनी का असली गांव माना जा सकता है? क्या हमने जो तालाब आपको दिखाया, क्या वहीं पे बाल हनुमान ने सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाई थी? ये सारी बातें मान्यताएं हैं जो इस इलाके में काफी प्रचलित हैं। इस जगह के साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, लेकिन एक बात साफ है कि ये स्थान हिंदुओं के लिए तो बहुत पवित्र है ही, जैन धर्म को मानने वालों के लिए भी बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि करीब 2500 साल पहले भगवान महावीर यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने अंजनेरी पर्वत पर तपस्या की। हमें बताया गया है कि यहां से थोड़ी ही दूर हनुमान जन्मस्थान है। हम फिर ब्रह्मगिरी पर्वत की अंजनेरी चोटी पर चढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद हमारे सामने वो जगह थी जिसके बारे में दावा होता है कि ये दंडकारण्य इलाके में बजरंग बली का जन्म स्थान है। करीब 3.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम आ पहुंचे हैं अंजनेरी पर्वत के शिखर पर। लंबा वक्त लगा हमें ऊपर तक पहुंचने के लिए, बीच बीच में हम थक कर बैठ भी गए, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेते जाएं तो रास्ता सरल होता जाता है, और यही वजह है कि हम अब आ पहुंचे हैं एकदम पर्वत के शिखर पर, और सामने अब हमें नज़र आ रहा है हनुमान जी का वो जन्म स्थल जहाँ पर हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। बस महज कुछ 100 मीटर बचे हैं और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है हनुमान जी का वो जन्म स्थल, वो मंदिर। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर। इस जगह पर भी बाल हनुमान की ठीक वैसी ही मूर्ति है जैसे हमें रास्ते में अंजना गांव में मिली थी। यहाँ भी माता अंजना की गोद में बाल हनुमान मौजूद है। माता अंजनी ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या इसी गुफा में की हुई थी। आपको ये दिखाते हैं जो हमारे दाहिनी साइड में जो आपको मूर्ति नज़र आ रही है, ये मूर्ति है माता अंजनी की। माता अंजनी यहाँ पर लगातार तप करते हुए इसमें नज़र आ रही हैं। हालांकि ये जो गुफा आप देख रहे हैं ये काफ़ी छोटी है, और मान्यता ये है कि उस वक्त जो भी गुफाएँ बनाई जाती थी वो तप करने के हिसाब से बनाई जाती थी। मच्छिंद्रनाथ गुरुजी, इन्होंने 12 सालों तक जो बीच में मूर्ति है इन्होंने यहाँ पर तपस्या की हुई थी, और आपको हनुमान जी भी हमारी बाईं साइड में नज़र आ जाएंगे। हनुमान जन्मस्थान के दावे वाली जगह को कैमरे में कैद करने के बाद हमारी टीम उस तरफ बढ़ी, यानी चोटी की उस गुफा की तरफ गई जहां माता अंजना ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए 108 वर्षों तक तपस्या की थी। इसी तपस्या से खुश होकर महादेव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया था।
अंजनेरी पर्वत के शिखर पर इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमान जी के उस मंदिर में, जहाँ के लिए ये कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ। आपको दिखा दें, ये प्राचीन मंदिर है और ये कहा जाता है कि अंजनी माता जी ने यहीं पर हनुमान जी को जन्म दिया था। आपको बता दें, ये जो पूरी मूर्ति आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन है और यह माना जाता है कि ये उस वक्त यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। और आपको दिखा दें कि सबसे पहले जो मूर्ति आपको सामने नज़र आएगी, माता अंजनी हनुमान जी को अपने सीने से लगाए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो माता बंदर की होती है, जिस तरह से अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, तो माता अंजनी ने भी अपने बाल हनुमान को अपने सीने से लगा कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें, यहाँ पर ये भगवान शंकर का त्रिशूल भी आपको नज़र आ जाएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी का जो जन्म हुआ वो शंकर जी का उन्होंने यंशावतार भी माना जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर भगवान शंकर का त्रिशूल भी मौजूद है। यहाँ हमारी टीम को यह भी बताया गया कि 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम और सीता भी यहाँ आए थे। यहाँ माता सीता के तपस्या करने का भी दावा होता है। हमारे भगवान रघुनाथ भी यहाँ आए थे और यहाँ भोले बाबा कथा सुनने के लिए भी यहाँ आए, तो ये अद्भुत स्थल है तपस्या की दृष्टि से। अब हनुमान में आस्था का ये रूप देखिए, ये पत्थर महावीर में आस्था के प्रतीक है। यहाँ आने वाले अपनी मुराद पूरी करने के लिए ये पत्थर रखते हैं, एक के ऊपर दूसरी, कोई दूसरे भक्त के पत्थर को नहीं हटाता। यहाँ पर आने वाले जो भक्तगण हैं, उनकी ये मान्यता है कि यहाँ पर जब वो दर्शन करने आए और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर वो रखकर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। और यही वजह है कि इस तरह के जो पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर जो भक्त हैं वो रख कर जाते हैं, और मान्यता जो ये है कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, जो भगवान से वो मांगेंगे भगवान जी उनकी सुन लेंगे। अब सवाल है कि क्या भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान की मुलाकात इसी अंजनेरी पर्वत पर हुई थी? इस बारे में कोई कहानी यहाँ प्रचलित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय के कर्नाटक यानी किष्किंधा में हनुमान जी वन में भटक रहे श्री राम से मिले थे। हालांकि हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। यहाँ पर तालाब, यहाँ की गुफाएं और स्वयंभू मूर्तियाँ इस बात का प्रतीक हैं कि हनुमान जी ने इसी पर्वत पर जन्म लिया था। लेकिन कईयों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म या फिर कर्नाटक या फिर बिहार में हुआ था। लेकिन सच्चाई जो भी हो, अगर मान्यताएं हो और सच्ची श्रद्धा हो, तो कोई भी स्थान विशेष स्थान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हनुमान जन्म स्थान को लेकर तमाम जगहों पर दावे होते हैं। उन तमाम दावों में एक दावा महाराष्ट्र के नासिक के अंजनेरी पर्वत को लेकर भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये दावा सबसे मजबूत है। आज रहस्य के एपिसोड में हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे अंजनेरी पर्वत पर बाल हनुमान के सबूत होने का भी दावा है। बहरहाल कर्नाटक से ओडिशा तक और झारखंड से गुजरात तक कई जगह हनुमान जन्मस्थान बताई जाती है। अब इसकी जैसी जिसकी आस्था होती है वो उसी हिसाब से बजरंग बली में आस्था रखता है। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। रहस्य के अगले एपिसोड में हम एक नई कहानी दिखाएंगे आपको। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए न्यूज 24।